हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। जासल विदीप्ति आपके लिए लेकर आया है ट्रैवल व्लॉग। और ट्रैवल के लिए आप फ्लाइट टिकट्स फटाफट से बुक करा लेते हैं, बट मेरी पर्सनल चॉइस है रोड ट्रिप्स, क्योंकि ये होता है बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस। और कंफर्ट की बात करें तो घर से आप निकलते हैं अपने लगेज के साथ, कोई चेक इन नहीं, कोई लॉन्ग वेटिंग आवर्स नहीं एयरपोर्ट की तरह। एंड सेकेंडली, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ आप अपने टाइम से निकलते हैं अपनी स्पीड पे एंड रोड मैप एक्सप्लोर करते हुए, और डेफिनेटली ऑफ रोडिंग भी करते हैं थैंक्स टू गूगल मैप्स। एंड जो लैंडस्केप्स होती हैं वो इतनी ब्यूटीफुल होती हैं, और रोड से उतर के आप फोटोज़ और वीडियोज़ जो कैप्चर कर लेते हैं रोड ट्रिप में। मेरा पर्सनल है फोटोज़ क्लिक कराना डीपी के लिए। तो क्या ये सब इस ब्लॉग में देखने को मिलेगा? डेफिनेटली यस। हम लेके चल रहे हैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग स्पिरिचुअल येट फन जर्नी पे। ये है डे वन ऑफ द्वारका ट्रिप फ्रॉम अहमदाबाद। इन्जॉय करिए और रेडी हो जाइए आप भी एक इसी टाइप की रोड ट्रिप के लिए। यहाँ पेश है गीत, आजा शाम होने आई, मौसम मेरी अगड़ाई। यहाँ लग गया है कैरियोके गाने के लिए ये सॉन्ग, नहीं पा रहे ऐसे थोड़ी खुश भी लगा तो गा दोगे। अंधेर है यहाँ पे शायद, कोई पूरा डूबा हुआ है। हैप्पी फेस्ट चल रही है। Just show you. This is the, ये पीछे है हाईवे। देखते हैं खाना कैसा है। ले रहे हैं आप एक वेलकम ड्रिंक। ये वो ढोकला वाली मिर्च जैसे लग रहा है। पनीर चॉकलेट आइसक्रीम, आप टेक्सचर देख के highly recommended this place. It's a 5-star place. इतना ऑथेंटिक खाना है ना। लैंडस्केप मैंने अपने देश में जितना मैंने ट्रैवल किया नहीं देखी है। गाइस, मुझे एक और बहुत अमेजिंग जगह मिली है। क्लाउड्स हो रहे हैं बहुत ही डार्क, तो इससे पहले कि यहाँ बारिश शुरू हो जल्दी से द्वारका पहुंचा जाए। हे गाइस, वेलकम टू डाजल विद दीप्ति। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब हम निकल रहे हैं सुबह सुबह गुजरात की रोड ट्रिप पे। इस रोड ट्रिप में हम कवर करने वाले हैं द्वारका, सोमनाथ और दीव। तो इन तीनों जगह पे जाने के लिए हमने प्लान किया है 5 दिन का अपना रोड ट्रिप फैमिली के साथ। आज का जो डे है वो है डे 1, और सुबह के बज रहे हैं 8। हम आज निकल रहे हैं द्वारका के लिए, जो अप्रॉक्सीमेटली 440 किलोमीटर दूर है अहमदाबाद से। तो हमारी जर्नी होती है सुबह 8 बजे शुरू, और देखते हैं हमें 8 घंटे लगते हैं या उससे ज़्यादा लगते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। और इस व्लॉग में आपको हम बताएंगे हाउ टू कवर दिस जर्नी वाया अ रोड ट्रिप, वेयर टू स्टॉप, वेयर टू हैव लंच, हाउ आर द रोड्स एंड हाउ इज द ट्रैफिक। तो क्या आप रेडी हैं इस गुजरात टूर के लिए? कम ऑन, चलिए। सो गाइज, ये डिस्टेंस हम अपनी जो ट्रिप का है वो शुरू कर रहे हैं, ये जर्नी हम अहमदाबाद से। और अहमदाबाद से हमें जाना है इस रूट के थ्रू द्वारका। द्वारका जाने के लिए जो ये हम रूट फॉलो कर रहे हैं ये थ्रू जामनगर जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। आई एम जस्ट मूविंग द कर्सर टुवर्ड्स इट। सो दिस डिस्टेंस इज 8 आवर्स जामनगर क्रॉस करते हुए द्वारका पहुंचने का जो रास्ता है। एंड द्वारका में द्वारकाधीश दर्शन करने के बाद इस रूट से हम पहुंचेंगे सोमनाथ। एंड ये जो डिस्टेंस है, ये जो आपको दिख रहा है, ये 4 घंटे में कवर हो जाता है। सोमनाथ दर्शन करने के बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारा वो है दीव। दीव में हम आराम से अपनी बीच वेकेशन मनाते हुए हमारा प्लान है वापस इस रास्ते से अहमदाबाद जाने का। और इन अ वे हम ये पूरा गुजरात जो आप मैप देख रहे हो उसका लोअर एरिया कवर कर रहे हैं। एंड ये डिस्टेंस है 1158 किलोमीटर्स। सो इजंट इट अमेजिंग ट्रिप? तो ट्रिप शुरू करने के लिए हमने लगाया सबसे पहले गूगल मैप्स पे द्वारका में हमारे होटल का एड्रेस, और भगवान का नाम लेते हुए हम निकल गए। और हमने उनसे प्रे किया कि हमारी ये ट्रिप सेफ और पीसफुल रहे। यहाँ पे मार्केट सारा ओपन हो चुका था सुबह सुबह। साबरमती रिवर फ्रंट क्रॉस करते हुए हम निकल गए हैं अहमदाबाद से द्वारका के लिए। और मैं श्योर हूँ अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आप पक्का अपनी फैमिली के साथ ये ट्रिप जरूर प्लान करने वाले हैं। हमारी ट्रिप हो गई है शुरू, और ट्रिप शुरू करने से पहले
हम लेंगे भगवान श्री कृष्ण का नाम। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो हमारी ट्रिप में ये है हमारे ड्राइवर साहब। फ्रेंड्स, मीट माय एडोरेबल हस्बैंड आशीष। ये है आशीष और यहाँ पीछे बैठी है मम्मी और पापा। हेलो मम्मी। तो हम सब निकल चुके हैं फैमिली ट्रिप पे और हमें डिस्टेंस कवर करना है लगभग 450 किलोमीटर का, और हम पूरी तरीके से तैयार हैं ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, है ना आशी? एब्सोल्युटली, मजे से जाएंगे। मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है। मौसम के बारे में मम्मी बताएंगे, अभी हम बोल रहे थे। एक बार अगर दिखते दिखाना चाहेंगे, इट इज ऑल क्लाउडी। हाँ मैं दिखाती हूँ अभी वेदर, ये देखो अगर यहाँ से दिख पा रहा है तो आपको। और बाकी मैं मम्मी से पूछती हूँ, मम्मी मौसम के घटाओं के बारे में कुछ कह रही थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, घटाएं काली काली हो रही है और सफर का मजा घटाओं में। सही बात है, सफर का असली मजा ऐसे वंडरफुल। हम लोग आए मजे करने के लिए। हाँ यार, ट्रिप मजे करने के लिए होती है। आराम से मस्ती मारते हुए निकलेंगे और वेदर बहुत बढ़िया हो रहा है, हल्की फुल्की बारिश हो सकती है ऐसा लग रहा है। बल्कि हमने वेदर फोरकास्ट देखा था इन 5 दिनों का, बिकॉज रिसेंटली बहुत फ्लड्स आए थे गुजरात में। जामनगर बड़ौदा वॉज कम्प्लीटली मतलब सबमर्ज्ड बोलेंगे, वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर तो डूब ही गया था पानी में। तो उस हिसाब से हमने थोड़ा डिले करके वेदर देख कर ही ट्रिप प्लान की है। सो लेट्स सी कैसा रहता है आगे। यहाँ आप क्लाउड्स देखिए, एकदम डार्क डार्क क्लाउड्स है बीच में, बस बारिश ना हो। क्योंकि बारिश होने से प्रॉब्लम नहीं है, मौसम तो अच्छा हो जाता है, बट स्पीड थोड़ी सी स्लो रखनी पड़ती है बारिश में। तो देखते हैं कैसा रहता है आगे। यहाँ पे कोई तो रथ यात्रा टाइप निकल रही है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो चुका है, कुछ तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है यहाँ पे, इसीलिए बोलते हैं। ये सब चीजें ना मेन सिटी में निकालने में बहुत दिक्कत है, मेन सिटी से इसको दूर ही रखना चाहिए इन सब रैलियों को। ये देखिए पूरा ट्रैफिक ब्लॉक हो गया इस जगह जैसे। यहाँ से है राजकोट 207 किलोमीटर, पूना 395, द्वारका 426 किलोमीटर, और हम जा रहे हैं राजकोट के लिए सबसे पहले। और ये है नेशनल हाईवे 47। ये यहाँ अहमदाबाद राजकोट हाईवे है, एंड ये धरंद्रा वाला रूट नहीं है, ये बावला होते हुए फिर हम जाएंगे बिजी रहता है रूट, राजकोट तक तो बिजी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप स्पीड अप करके और चला लें गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे वही आप 60-70 की स्पीड पे ही ले जा सकते हैं, बिकॉज बहुत सारा ट्रैफिक है। चलिए पूछते हैं पीछे वाले लोग क्या पीछे वाले लोग सुस्तार है, रिलैक्स कर रहे हैं। मम्मी आराम से बैठी हुई है चिंतन में मग्न। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सोच रहे हैं, हम आगे वालों को देख रहे हैं क्या वीडियो बना रहे हैं। क्या वीडियो बना रहे हैं, क्या नौटंकी चल रही है, कर रहे हैं। मम्मी को पापा पूरे रास्ते घटाओ के नाम से छेड़ने वाली हो। थोड़ी बारिश हो, घटाएं हो, सब मजा आता है, तभी आता है। सब मौसम के ऊपर एक एक गाना सोचेंगे थोड़ी देर में। आपको अभी समय दिया जाता है 5 मिनट का। और टुवर्ड्स आवर लेफ्ट यहाँ है फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जितनी हमें दिखी है वो है जाइडस, और आगे भी पूरा मतलब हब जैसा लग रहा है ये फार्मा कंपनीज का। जब हम बावला की तरफ जा रहे हैं उस तरफ, बावला अभी हमें दिखा रहा था 4 किलोमीटर है बावला यहाँ से। तो बस बावला से आगे फिर राजकोट के लिए। मैं ये वाले एरिया की बात कर रही थी, यहाँ सारी फार्मा कंपनीज के या तो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन है यहाँ पे। ये देखिए रोड्स की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ मिलेंगे आपको एकदम परफेक्ट स्मूथ रोड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोड्स, एंड रोड्स आर फैंटास्टिक। ट्रैफिक अब जाके थोड़ा सा कम हुआ है और अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है गाड़ी ने। हाँ जी मम्मी, सोच लिया गाना आशी, सोच लिया गाना? जो तू बोलेगी मैं वही गा दूंगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मुझे याद ही नहीं आ रहा। इसको याद नहीं आ रहा? मम्मी आपको तो याद है ना? याद है मेरे को, पहले आप गाओ। ये राते मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा दो दिलों ने कि मिलके कभी हम न होंगे जुदा। आवा तो करो। ये देखो ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार की रागनी में, ये बाहों में
का मजा क्या मेरा हो गया। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू। बोर्ड राजकोट 166 अब शुरू करते हैं। हाँ, रिक्वेस्ट आई है दिल्ली से मोनू और पिंकी की। अच्छा आशी, तू अपने मन से कोई गाना सुना। मैं एक रिक्वेस्ट करूँ गाने की। हाँ, पेश है चलो एक गीत। एक गाना है जो कि दीप्ति ने मुझे बताया है। ये कौन सा मूवी का? ये मूवी का नाम, इसमें भाग्यश्री है और सलमान खान है। मैंने प्यार किया। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तो किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई। ट्राई करते हैं। हवाओं ने ये कहा, फिजाओं ने ये कहा, आई प्यार की ये रुत बड़ी सुहानी। वाओ, तू डरना ना ओ मेरी रानी। वापस आते हैं अपनी रोड ट्रिप पे। यहाँ पे सब संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। यहाँ पे आपको हाईवे पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क दिखेगा। यहाँ एरिया है जहाँ आई थिंक ये 4 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जहाँ पे आई थिंक हाईवे एक्सपेंशन चल रहा है। अब पता लग रहा है कितनी बारिश हुई है, न्यूज में तो देखते ही थे। ये देखो ट्रैक्टर भी डूबा हुआ है यहाँ तो। अरे भाई कितना पानी है यहाँ पे। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये नदी है, बिकॉज जिस हिसाब से पानी बह रहा है। और यहाँ पे देखो ये सब डूब गया, मंदिर है यहाँ पे शायद पूरा डूबा हुआ है। तो जो फ्लड सिचुएशन थी वो एक्चुअली बहुत ही खराब हुई है। लेकिन अगर अभी आप ट्रैवल कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो इस टाइम आप आराम से आ सकते हैं क्योंकि अभी बारिश नहीं है। जिस टाइम बारिश हो रही थी तो ये रूट पूरा क्लोज था, बिकॉज जामनगर से जो लोग आ रहे थे बाई रोड, उनके लिए ये वाला रूट ब्लॉक था। हो सकता है यही इधर ही पानी भर गया हो पूरा। तो फिलहाल इफ यू आर ट्रैवलिंग इन सितंबर, बारिश नहीं है और आप सेफली इस रास्ते से आ सकते हैं। Hey guys, we have taken a halt at the petrol pump. और actually मुझे लगता है petrol pump is the best place if you want to take a break for washroom and all. So यहाँ से 4 घंटा 40 मिनट की दूरी अभी बची है, कहने का मतलब 40% हमने कवर कर लिया है। सो अब निकल रहे हैं हम आगे की जर्नी के लिए। एंड ये एरिया तो बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है। अच्छी, एंड वी मेक श्योर दैट वी ऑलवेज कैरी दीज वेट वाइप्स। दिखाओ दिखाओ। यस, सो वेन एवर यू ट्रेवल, नो एडवर्टाइजमेंट, हमेशा एक वेट वाइप जरूर लेके जाओ ताकि रास्ते में आप आराम से, बिकॉज दीज आर पब्लिक टॉयलेट, सो हैंड हाइजीन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैरी द वेट वाइप्स। हैप्पी फेस्ट चल रही है, चलो मजे लो, मजे लो, चलो लेट्स गो। मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरे को छोड़ के जा रहे हैं। दिखने लगेंगे बिल्कुल वो वाले एरिया में। यस, टाइम है थोड़ा मंचिंग का, तो हम खा रहे हैं क्रंची पोटैटो चिप्स। और यहाँ हमारी बास्केट है जिसमें हमने थोड़े से स्नैक्स रखे हैं, जिसमें हैप्पी फिज है, पेप्सी है और चॉकलेट्स हैं। ये मम्मी ने भरी है पूरी। मम्मी आप बॉर्न लेकर, अरे वाह, डार्क फैंटेसी भी लाए हो। ओहो, इतने सारे बिस्किट्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और पेप्सी है, कोक है, वाह 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 वाह, चलो बढ़िया है। मम्मी बेटी ये भी है, चॉकलेट्स भी लेकर आओ, चलो 5 स्टार लाए। और अरे एप्पल्स भी लाए, वाह वाह, ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल। और कुछ खाना ही रह गया बस अब लाने को। खाना हम लोग खा के आए, खाना खा के आए हैं। एक्चुअली ब्रेकफास्ट तो करके आए थे, ये आइडिया था मम्मी का कि ब्रेकफास्ट करके चलते हैं, आराम से 3-4 घंटे की जर्नी हो जाएगी। क्या खाया मम्मी ब्रेकफास्ट में? हम लोगों ने पूरी और आलू की सब्जी। पूड़ी और आलू की सब्जी, ये हमारे ट्रिप का स्टार्ट है। हम कहीं भी जाते हैं
अगर हमें ले जाने की जरूरत पड़े तो पूड़ी और आलू की सब्जी ले जाते हैं, या खाने की भी हो तो सुबह सुबह इजी टू मेक। अगर हम लोग खाते भी है तो आलू की सब्जी और पूड़ी जल्दी भी बनते हैं और उसके साथ चाय चलती है और अचार होता है और बहुत ही मजा आता है वो खाने में हम लोगों को, तो ट्रिप वाली पूरी फीलिंग आती है। हमारी ट्रिप इनकम्प्लीट है पूड़ी सब्जी के बिना, और आशीष की तो फेवरेट है पूड़ी, है ना? बिल्कुल। अब हम यहाँ से लेंगे राइट टर्न 40 मीटर्स पे, सो दिस इज द वे गोइंग टू जामनगर। यहाँ से जो राइट लिया है फ्रेंड्स, अभी जस्ट 2 मिनट पहले हमने एक राइट टर्न लिया है जो कि राजकोट बाईपास हाईवे है। बेसिकली राजकोट शहर आपके लेफ्ट साइड में रह जाएगा, आप लोग बाईपास करके जामनगर की तरफ हम लोग अभी निकल रहे हैं। अभी रिमेनिंग दिखा रहा है 234 किलोमीटर्स टू आर होटल जो द्वारका में है। सो हम अभी यहाँ पे, आप ये देख रहे हो लेफ्ट साइड में दिखा रहा है ना राजकोट, अब हम निकल रहे हैं राजकोट से बाईपास होके एंड जामनगर। जामनगर है 94 किलोमीटर्स। ये जो घी गुड़ रेस्टोरेंट है काफी फेमस है ये, हाँ अभी तो बंद है बट ये वहाँ पे भी है, अहमदाबाद में भी है घी गुड़। क्रिकेट स्टेडियम ऑफ राजकोट गाइस टुवर्ड्स योर राइट। तो गाइस अभी बज रहे हैं 1 और हमने अभी लंच ब्रेक लिया है, सो आई वॉज जस्ट सीइंग द गूगल मैप्स जिसपे मुझे एक ग्रैंड मुरलीधर होटल दिखा था, सो इट इज जस्ट बिहाइंड मी इफ यू कैन सी। तो ये पीछे है हाईवे जहाँ पे हमने अभी जहाँ से हम अभी जा रहे हैं स्ट्रेट, एंड यहाँ है पार्किंग, गाड़ी खड़ी करी है, एंड जस्ट बिहाइंड मी इज द होटल। देखते हैं खाना कैसा है यहाँ का, अच्छा ही होगा क्योंकि ये मुझे एन रूट लगा बिल्कुल बीच में, 3 घंटे 3.5 घंटे बचे हैं, सो इट्स बेटर कि आप लंच टाइम में खाना खा लें क्योंकि फिर भूख मर जाती है और फिर अब सीधे कहीं हॉल्ट करेंगे नहीं, आराम से शाम को 5 बजे तक चलेंगे। यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा, प्ले जोन है किड्स की, और आप यहाँ देखिए कितना ब्यूटीफुल सिटिंग एरिया है। अगर शाम को लोग आते होंगे तो बहुत अच्छा लगता होगा क्योंकि यहाँ लाइट्स हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी खाट बोलते हैं जो खाट पड़ी हुई है। दिस इज द ग्रैंड मुरलीधर, दिस इज द एरिया, यहाँ है इनका रेस्टोरेंट, मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट, एंड वी आर एंटरिंग फ्रॉम हियर। नमस्ते। सो यहाँ आशी और पापा ने सबसे पहले ऑक्यूपाई कर लिया जगह इतनी जल्दी। तो खाना ऑर्डर हो चुका है, हम ले रहे हैं यहाँ पे वेलकम ड्रिंक, और ये मुझे लगता है अगर आप एन रूट हैं तो ये जगह एकदम बेस्ट है, कंफर्टेबल एम्बियंस एंड एसी डाइनिंग एरिया, तो आप आराम से यहाँ बैठ के फैमिली के साथ लंच। तो स्वागत हुआ है हरी मिर्च से। यहाँ है रायता, मिक्स रायता, यहाँ आ गया है पनीर, तवा रोटी और दाल, तड़के वाली बहुत बढ़िया तड़के वाली दाल लग रही है, मम्मी सर्व कर रही है। तो बहुत ही अमेजिंग। सो नाउ फूड इज हियर एंड वी आर गोना हैव द लंच। सबसे पहले मैं खा रही हूँ चपाती से पनीर, और चपाती एकदम घर जैसी है, तवा रोटी और रायता तो बहुत ही अमेजिंग लगा। दिस इज द पनीर, आप टेक्सचर देख के ही बता सकते हैं कितना टेस्टी है। बिल्कुल घर जैसा खाना है, यमी एकदम, आपको लगने नहीं है बाहर कहीं खा रहे हैं, वेरी होमली फूड एंड वेरी नाइस, बहुत ही अमेजिंग फूड है, मसाले भी ज़्यादा नहीं है, जितना होने चाहिए।
पनीर इज रियली गुड, हाईली रिकमेंडेड दिस प्लेस। गाइज अगर मैं रिव्यू की बात करूँ ना, द ग्रैंड मुरलीधर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि इट्स अ फाइव स्टार प्लेस टू हैव फूड, बिकॉज ये जो अगर फाइव स्टार्स दे रही हूँ ये मैं दे रही हूँ उनकी सर्विस में, द क्वालिटी ऑफ फूड एंड द यू नो ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस प्लेस, वंडरफुल एम्बियंस एंड इतना ऑथेंटिक खाना है ना, एकदम घर के जैसा जो टेस्ट होता है। आपको ड्राइव करना है तो आपको बहुत स्पाइसी फूड भी यहाँ पे नहीं चाहिए होता है वाइल यू आर ट्रैवलिंग। सो द बेस्ट पार्ट इज कि जो इनकी आइसक्रीम थी जो हमने लास्ट में डेजर्ट खाया वो भी बहुत टेस्टी थी, वेरी यम। एंड तवा रोटी तो मैंने आपको दिखाई थी, एकदम फ्रेशली मेड तवा रोटीज, तो हम सबको बहुत पसंद आया। सो दिस इज अ मस्ट विजिट प्लेस इफ यू आर ट्रैवलिंग टू द्वारका, और आप अगर एंड रूट हैं और आप जामनगर की तरफ जा रहे हैं राजकोट से, जैसे आप बाहर निकलते हैं आपको मिलेगा द ग्रैंड मुरलीधर। लेट्स गो, अभी चलते हैं आगे एंड ट्रिप शुरू करते हैं आगे की। सिटिंग कितनी बढ़िया बनाई हुई है बाहर, चलिए बाय बाय बोलते हैं। सो गाइस पेट भर के भोजन करने के बाद हम निकल चुके हैं और अब मैं जा रही हूँ सोने। हमने ट्रिप कई की है लेकिन इस बार मन होता पैसे राजकोट जामनगर हाईवे पे है, 212 किलोमीटर बता रहे टू द लोकेशन ऑफ होटल जो कि द्वारका में। सो भी हम आराम से जाएंगे रिलैक्स करते हुए, क्योंकि अब तो खाना खा ही लिया है तो अब कोई टेंशन नहीं, गाने सुनते सुनते मस्त आराम से जा रहे हैं। सो दिस रोड ट्रिप इज गोइंग लाइक अमेजिंग। ले रहे हैं यहाँ से राइट टर्न एंड 200 किलोमीटर लगभग बचा है, दिस इज बाईपास रोड लाइक दिस। हाँ जामनगर राजकोट हाईवे, ये कितनी अमेजिंग फार्म्स के बीच में दो दो विंडमिल, बहुत नींद आ रही है। अभी क्या होता है खाना खाने के बाद ना एकदम स्लीपी स्लीपी हो जाता है। अच्छा वाह, तो हम सोच रहे कि थोड़ी झपकी ले ली जाए 15-20 मिनट। गुड नाइट, फाइनली टोल आ गया है, फर्स्ट टाइम पूरी जर्नी में लास्ट के 1 किलोमीटर बचे जिसमें टोल आया है। अगर गूगल मैप्स पर देखोगे तो देखिए हम यहाँ से समुंदर की तरफ जाते हुए अरेबियन सी, वाव। एक घंटा द्वारका नगरी में पहुंच जाएंगे हम, कृष्ण जी की नगरी में जो कि है सी के बिल्कुल पास में, वहीं पे जो टेंपल है उसके पीछे समंदर है, वहाँ पे गोमती रिवर और जो अरेबियन सी है वो आपस में मिलते हुए जैसे है ना, मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा है कि ड्राइवर को आइडली सोना नहीं चाहिए वैसे, अलर्ट रहना चाहिए, ऐसा लोग बोलते हैं कि ड्राइवर को नींद आती है, बट आशीष ऐसा है क्या? ये सो ही जाए तो देखिए गाइस कितना ब्यूटीफुल लैंडस्केप यहाँ से दिख रहा है, और अगर आपको विंडमिल्स दिखाऊं तो ये देखिए आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी विंडमिल्स हैं यहाँ पे लाइन से, देखिए कितनी सारी विंडमिल्स हैं हमारे पीछे, और क्लाउड्स हो रहे हैं बहुत ही डार्क, तो इससे पहले कि यहाँ बारिश शुरू हो जल्दी से द्वारका पहुँचा जाए, हार्डली 40 मिनट्स बचे हैं तो चलते हैं। मैं तो बस इसलिए रुकी थी कि मैं आपको विंडमिल्स दिखा पाऊँ, इतनी खूबसूरत विंडमिल्स और ये क्लाउड्स। गाइस मुझे एक और बहुत अमेजिंग जगह मिली है जहाँ पे बिल्कुल सामने लाइन से विंडमिल्स हैं, अभी आपको दिखाती हूँ। स्पेशली गाड़ी रोकी है इस एरिया को कैप्चर करने के लिए, जस्ट वेट ये देखिए, एंड यहाँ पे बहुत तेज हवा भी है एंड दैट्स व्हाई यू विल सी ऑल द विंडमिल्स मूविंग। कितना ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप है ये, तो आगे चलते हैं, अब आगे की जर्नी कवर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द विंडमिल पार्ट,
मजा है ना देख के आपको विंडमिल्स। चलो चल पड़ी ट्रैफिक। बाय बाय गाय। इस तरफ से भी आ ही रही है। ओ हो ये तो इधर पेन हो। चलो थैंक यू रास्ता देने के लिए। गाइस लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हाईवे। ये देखिए यहाँ हमारी गाड़ी। हम इन बिटवीन रुके हैं, यहाँ से हार्डली 30 मिनट्स का रास्ता बचा हुआ है और ये जगह इतनी ब्यूटीफुल है कि आपको लग ही नहीं रहा आप अपने ही देश में, क्योंकि इतनी सुंदर लैंडस्केप मैंने अपने देश में जितना मैंने ट्रैवल किया नहीं देखी है। पूरा ग्रीन है और खूबसूरत विंडमिल्स है चारों तरफ विंडमिल्स, और एक जगह तो इतनी पास है ना तो एकदम ह्यूज विंडमिल्स दिख रही है, और यहाँ सामने तो लाइन से बैक टू बैक है ना ब्यूटीफुल, बैक टू बैक एक लाइन से सारी विंडमिल्स है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। आप अगर इस रास्ते पे ट्रैवल करते हैं ना तो जरूर यहाँ हॉल्ट करिएगा, इनिशियली नहीं लेटर हाफ, जब आधा घंटा करीब रास्ता बचाओ तब, क्योंकि पूरे स्ट्रेच पे है एक दो घंटे के स्ट्रेच पे विंडमिल्स, बट यहाँ अलग है। तो सारी चीजें मैंने आपको दिखाई है बट ये जगह मुझे लगा आपको जरूर बतानी चाहिए। मजे की बात यह है कि इस रोड के बिल्कुल थोड़ा सा दूर अगर आप देखेंगे तो यू कैन सी द ओशन, समंदर दिख रहा है यहाँ से और बहुत सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स 8 घंटे की ये रोड ट्रिप कंप्लीट करने के बाद हम पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन द्वारका। तो वेट किस बात का है, फटाफट से अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ रोड ट्रिप प्लान कर लीजिए क्योंकि ये है टूरिस्ट सीजन द्वारका एंड सोमनाथ विजिट करने का। सो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग डैजल विद दीप्ति गाइज। और हाँ नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलेगा क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग है फर्न सत्वा रिजॉर्ट का एक डिटेल टूर जो आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।